हेलो गाइस, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा गाइस आप सबको पता है कि इस टाइम जहां पे बहुत सारे न्यूज चैनल, जितने भी न्यूज चैनल सुशांत सिंह राजपूत के न्यूज को कवर करते थे या सुशांत सिंह राजपूत केस को कवर करते थे और सुशांत सिंह राजपूत केस को दिखाते थे, वो सारे के सारे न्यूज ने अभी जो क्या किया है न्यूज चैनल ने कि सुशांत सिंह राजपूत केस को कवर करना ही बंद कर दिया है। वो दिखा ही नहीं रहे कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत केस में हो क्या रहा है, या जितने भी बड़े चैनल हैं वो सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ थोड़ा सा भी जो है इंटरेस्टेड है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में अब भी अपडेट दे रहे हैं और बड़े बड़े खुलासे कर भी रहे हैं, और जो भी सीबीआई से उनको जो है अपडेट मिल रही है उसको भी वो बता रहे हैं पब्लिक तक। इन्हीं में से एक है विवेकानंद गुप्ता। विवेकानंद गुप्ता ने अभी भी एक बड़ा इंटरव्यू दिया है और एक बड़ा खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत केस में। जैसा कि आप सबको बताया कि सुशांत सिंह राजपूत केस में विवेकानंद गुप्ता जो है स्टार्टिंग से ही कई स्टेटमेंट देते आए हैं और सीबीआई से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट अभी तक विवेकानंद गुप्ता ने दिया है वो सारे के सारे स्टेटमेंट अभी तक ठीक हुए हैं। उन्हीं में से अब विवेकानंद गुप्ता ने एक स्टेटमेंट दिया है सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को लेकर। कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो एक प्राइम सस्पेक्ट है सुशांत सिंह राजपूत केस में वो उद्धव ठाकरे का मिनिस्टर है। उसका नाम नहीं बताया लेकिन उन्होंने सीधे सीधे बोला कि वो जो है प्राइम सस्पेक्ट है, जो कि एक मिनिस्टर है, वो भी उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। और दूसरा जो आज बोला है वो रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को लेकर बोला है। उन्होंने सीधा सीधा बोला कि रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती के खिलाफ जो है सीबीआई को एक बड़ा सबूत मिला है, अब तक का सबसे बड़ा सबूत जो है सीबीआई के हाथ में आ गया है, वो भी रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती के खिलाफ में। और जल्द ही कुछ दिनों के, जैसा कि फाइनल रिपोर्ट जो है 30 जनवरी तक वो जो है सुशांत सिंह राजपूत का फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट जो है सीबीआई सबमिट करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती दो के दोनों को सीबीआई अरेस्ट कर लेंगे, ऐसा जो है विवेकानंद गुप्ता के द्वारा कहा जा रहा है। अब इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है वो दो चार दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर जो है समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही सीबीआई अगर अरेस्ट करती है तो ये बात तो 100% सही है, अगर नहीं अरेस्ट करती तो ये गलत है। लेकिन विवेकानंद गुप्ता की बातें मैक्सिमम ठीक हुई हैं। आपका क्या ओपिनियन है गाइस, क्या रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होगी सीबीआई के द्वारा? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।